चितावा थाना क्षेत्र के नालोट गांव गांव के भीमचरों का बास में रास्ते और पानी निकास के विवाद को लेकर गुरुवार को माहौल काफी गरमाया और उच्च अधिकारियों के सामने पीड़ित पक्ष एवं ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला प्रशासनिक कार्यवाही का विरोध करने पर उसे पुलिस और प्रशासन की अराजकता का शिकार होकर अचेत हो गई। विडंबना है कि राज्य सरकार एक ओर जहां महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर सरकार के आला अधिकारियों ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हुए घायल महिला को वहीं तड़फता छोड़ मौके से चले जाने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। घटना स्थल पर घायल महिला की सुध लेने के बजाय पक्ष विपक्ष और प्रशासन सभी अपने अपने बचाव में फोन से वीडियोग्राफी करते नजर आए, ताकि भविष्य में कानून का शिकंजा कसा जा सके। बहरहाल पीड़ित पक्ष घायल बुजुर्ग के उपचार में लगा है, वहीं प्रशासन राजनीतिक दबाव के चलते पीड़ित पक्ष के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने और लॉकडाउन में सरकारी एडवाइजरी का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कर सकता है। इस बड़े विवाद के पीछे बड़े राजनीतिक कारण भी उभर कर सामने आ रहे हैं। नालोट ग्राम पंचायत सरपंच चुनावों में सत्ता पक्ष के एक दिग्गज राजनेता समर्थक की हार और विपक्ष की जीत को भी इस घटना के पीछे मुख्य कारण बताया जा रहा है। विस्तृत जानकारी अनुसार कुचामन के निकटवर्ती नालोट में स्थित भिचरों का बास चितावा दातारामगढ़ रोड पर पिछले काफी समय से बारिश के पानी के बहाव को लेकर ग्रामीणों में आपसी लड़ाई चल रही है। भिचरों का बास खसरा संख्या 381 चितावा से दांतारामगढ़ रोड पर एक कटानी रास्ता निकलता है जो किसानों के खेतों तक जाता है। अरावली की पहाड़ियों से बारिश का जो पानी आता है वह पानी सड़क रास्ते गुजरता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों इस मामले को लेकर एक विवाद चल रहा है, जिसमें कि एक पक्ष जिसने राजनीतिक प्रभाव के चलते प्रशासन का सहयोग लेकर कटानी रास्ते पर जबरन मिट्टी हटाकर बारिश का पानी डालने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों भारी पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में नावा एसडीएम ब्रह्मलाल जाट तथा तहसीलदार गुरुप्रसाद तंवर ने दोनों पक्षों की सहमति से सड़क के दोनों तरफ दीवार निकालकर रपट बनाने का आदेश जारी किया और खसरा संख्या 381 कटानी रास्ते पर दीवार भी निकाल दी, जिसको प्रशासन ने अपने ही आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए दोबारा शुक्रवार को तोड़ डाला। भारी पुलिस बल के साथ शुक्रवार को दोपहर नावा उपखंड अधिकारी तहसीलदार व सभी थानों के पुलिस जाप्ते के साथ भिचरों का बास नालोट पहुंचे, जहां पर कार्यवाही शुरू की। इस दौरान एक महिला जब एक पक्ष की ओर से विरोध करने लगी तो अचानक बेसुध होकर गिर पड़ी, जिसके बाद उसको गंभीर हालत में कुचामन रेफर किया। इस मामले को लेकर राजेश पुत्र केशाराम जाट निवासी भिचरों का बास ने एक पुलिस को एक रिपोर्ट दी कि खसरा संख्या 387 में मेरा खेत है, जहां पर खसरा संख्या 381 कटानी रास्ते के पास बारिश के पानी को रोकने के लिए डोल दे रखी है, जिसको नावा एसडीएम तहसीलदार व पुलिस प्रशासन ने गांव के ही कुछ लोगों की राजनीतिक प्रभाव के चलते ये डोल तोड़वा दी गई। जब डोल को तोड़ने पर विरोध किया तो मेरी माता ज्ञानी देवी पत्नी केशाराम जाति जाट निवासी भिचरों का बास को नावा उपखंड अधिकारी ने घसीटकर चोटिल किया व पुलिस द्वारा मारपीट की गई। इस मामले को लेकर पीड़ित ग्रामीणों ने गांव के ही दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रभाव व धमकियां देकर प्रशासन से गैर जिम्मेदाराना कार्य किया जा रहा है, और इसी कारण जिस सहमति से जो कार्य शुरू किया शुक्रवार को प्रशासन ने तोड़ डाला। इस मामले को लेकर पूर्व माटीकला बोर्ड अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक हरीश कुमावत ने बताया कि नालोट विचरों का बास में बरसाती पानी के बहाव को बस्ती के मार्ग में डालकर उनके आवागमन को अवरुद्ध करने की मंशा सत्ता पक्ष के लोगों के इशारे पर करना कतई उचित नहीं है, जबकि वहां इस पानी को फॉरेस्ट की भूमि में बने खदानों में डाला जा सकता है, वहां की तलाइयों में डाला जा सकता है, वहां के किसी कृषक से बात कर वहां पोंड बनाए जाकर बरसाती पानी के सदुपयोग से उन्हें लाभ पहुंचाया जा सकता है, परंतु स्थायी समाधान करने के बजाय सत्तासीन नेता द्वारा दोनों पक्षों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, जिससे महिला व पुरुष आपस में लड़ रहे हैं, पीट रहे हैं। कोरोना महामारी में सरकार के जनप्रतिनिधियों द्वारा गैर जिम्मेदाराना काम कराए जा रहे हैं। नेताओं के ऐसे व्यवहार से नावा की जनता आज बहुत दहकी है। वही उपखंडाधिकारी ब्रह्मलाल जाट ने कहा कि
जो सरकारी रास्ता था उस पर जून से पहले जो यथास्थिति थी वह फिर से कायम करवा दी गई है। बहरहाल पक्ष विपक्ष की राजनीति के बीच कई निर्दोष लोग पिसते नजर आ रहे हैं। किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही उनके खिलाफ अमल में लाई जा सकती है। क्या नाम आपका? राजेश। तो क्या घटना घटी आपकी माता जी के साथ में? माता जी के साथ ये घटना घटी कि वहाँ प्रशासन जो रास्ते का काम कर रहे थे तो उनको हमारी तरफ से जो रास्ता लगता है ना दीवार, तो उनको ज़्यादा काट रहे थे। तो हमारी माता जी आके बोला भाई इधर से मत काटो। तो उसने प्रशासन ने बोला बोला ये कौन है इसको अंदर करो। फिर उसको बोला क्यों करेंगे अंदर, तो वो बोला कौन है ये जो फेर आई उसको जैसी भी चल रही थी उसको बचाने के लिए। तो वो ब्रह्मलाल जी जाट है उसने धक्का दिया तो रोड पे गिर गई। फिर मैं उनको बोला सर इसके धक्का क्यों दिया, तो बोला इसको भी अंदर करो। तो मैं बोला सर ये कोई, फिर प्रशासन पीछे हो गई एक और उनके साथ पुलिस वाले थे टोटल, तो वो भी धक्का मुक्की कर रहे थे। और लकड़ी की बीमारी है वो पता नहीं कौन मारा उसने भीड़ भाड़ में। तो मैं उसको बोला सर अब इस लाश का मैं क्या करूँ, तो बोला हमारे कोई बेहोश हो गई तो हमारे कोई अंडर में नहीं, बोला वो कुछ भाग गए थे वो कुछ करीब आधे घंटे तक, कम से कम 1 घंटे के लगभग हमने उनके हाथा जो कई भाई इनका कोई कुछ है। तो एम्बुलेंस वालों को भी अगर फ़ोन करे तो उनको बोला आना ही नहीं है, आप वो डॉक्टरों को भी मना कर रहे थे और खुद ही वीडियो बना रहे थे वो। एसडीएम हो गए सांड हो गए तो मिलकर मरा एसडीएम साहब बरमला जाट कौन है पता नहीं। अरे एसडीएम हरा रोड में गिर रहे और ये रहे तहसीलदार तंवर साहब और ये रहे थानेदार जी। अरे कौन सभी मजे देख रहे हैं ये महिला रही पूरा प्रशासन जी सर। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मण राम है सर। तो लक्ष्मण जी क्या घटना घटी, क्या करना चाहोगे जो आज वो घटना घटी इस संदर्भ में? सर सुबह से पुलिस का इधर जमावड़ा हो रहा था और एसडीएम साहब तहसीलदार साहब प्लस जेसीबी लेके यहाँ आए हैं और अतिक्रमण कोई इस रास्ते में था नहीं। कचरा संख्या 381 के अंदर आना था, अतिक्रमण नहीं था बल्कि इन्होंने लिखा है कि नालोट बीचों का वास के अंदर कोई अतिक्रमण है। हमारे रास्ते में ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं था जिसको तोड़ने के लिए आए। और सरपंच ने हमारे रास्ते में खुर्रा निर्माण के लिए जो दीवार बनाई थी उसको तोड़ दिया। पड़ोसी खेत है जो पश्चिम साइड का, उसकी केसाराम जी की वाइफ जो ज्ञानी देवी है वो अपने खेत की डोल को बचाने के लिए उनको आके रिक्वेस्ट किया और बोला मेरे खेत में पानी घुस जाएगा सर, आप बरसात का जो अनलीगल पानी है मेरे खेत में बांटने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। जब एसडीएम साहब ने ये बोला कि इसको उठाओ कौन है अंदर डाल दो इसको, तो वो बोली मेरे खेत में खड़े क्यों ज़्यादा बकवास करती है, वे तो वे बोले और उसको वो आ गई रोड पे रस्ते में आई तो जेसीबी वाले को रुकाने लगी तब तो उसको धक्का मारा और रोड पे गिरी। धक्का किसने मारा? एसडीएम साहब ने धक्का मारा वो रोड पे गिर गई। गिरने के बाद में उसने खड़ा होकर बोला भाई ऐसा मेरे साथ क्यों व्यवहार हो रहा है, मेरे खेत का नुकसान कर रहे हो और मेरे ही धक्का मार रहे हो। तब बोला मारो इसको रांड को और अंदर डाल दो। तो उसके किसी ने लाठी मारी है, ये पता नहीं किसी ने, पुलिस प्रशासन काफ़ी था और बेहोश होगी वो हो, करीब 1.25 घंटे तक रोड के बीच में पड़ी रही है, प्रशासन देखता रहा नजारे और किसी ने ये नहीं सोचा कि इसको हॉस्पिटल तक पहुँचाऊँ या इसका कुछ इलाज करवाएं। जैसे ही मौका मिला वो भग गए, उसके पीछे से हम जो है उसके परिजन जो उसको लेके आए हैं और हॉस्पिटल एडमिट का कुचामन से उसको रेफर कर दिया है। वो विकलांग है सर, एक पैर से और दिमाग से भी थोड़ी सी असंतुलित है ये बात। मैं ग्रामीण मोहनलाल बिच्छर ग्राम बिच्छरों का वास वार्ड संख्या 9 हमारे गांव के अंदर MDR 46 सड़क जो घाटवा से चित्तावा जाने वाला रोड है मुख्य सड़क, उससे हमारे खेतों और घरों की तरफ आने वाला एक रास्ता है जिसकी खसरा संख्या 381 गैर मुमकिन रास्ता है, जिस पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती दबाव बना करके और बरसात का पानी डाला जा रहा है।
जिससे ये इस रास्ते में रहने वाले 50 परिवारों का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और वो पानी खेतों के अंदर जाकर के हमारी फसल को बर्बाद करता है, हमारे घरों में घुस जाता है। इसके लिए हमने प्रशासन से ले रहा हूं, इसका बार बार प्रशासन द्वारा जबरदस्ती सड़क से जो बरसाती पानी बह रहा है उसको हमारे रास्ते के अंदर जबरदस्ती डाला जा रहा है और कई बार पूरे पुलिस जाब्ते के साथ SDM तहसीलदार ये बार बार आकर के पिछली 24 तारीख को आकर के इन्होंने क्या किया था, एक को जॉइंटली अपना ऐसा फैसला लेकर के भाई इस पर दीवार बना करके ऐसा रिपोर्ट निर्माण किया जाएगा, ग्राम पंचायत को कार्य एजेंसी बना दी, ग्राम पंचायत द्वारा दीवार बना दी जिसका पंचायत समिति से बजट 1,65,000 रुपये का बजट पास हुआ है, उस बजट के तहत वो दीवार बना दी। आज 10 तारीख को सुबह हमें पता चला कि वापस उस दीवार को तोड़ने के लिए प्रशासन आ रहा है, हमने जाकर के बात की तो प्रशासन SDM साहब हमें बोलते हैं कि हम आपकी रिपोर्ट बना के जाएंगे, दीवार नहीं तोड़ेंगे। तो हमने उनको रिपोर्ट बनाने के लिए काम करने लग गए, अभी काम करते करते उन्होंने दीवार तोड़ करके और नीचे बैठने लगे तो हमने विरोध किया, भारी विरोध करने के बाद में भी उन्होंने जबरदस्ती ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई दीवार को तोड़ डाला और वो जो सड़क से बरसात का पानी जाने वाला है उसको हमारे रास्ते के अंदर जबरन डाल रहे हैं और हमारे रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे हैं। इससे हम इस रास्ते से जुड़े हुए 50 परिवार जैसे ही बरसात होती है सड़क लेवल ऊपर है और रास्ते का लेवल नीचे है, इस कारण से ये रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और हम नहीं तो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, नहीं हमारे खेतों की जुताई कर सकते हैं, नहीं हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा सकते हैं और हमारे माल मवेशी है वो भी घर से हैं, जैसे हम गांव के अंदर जाते हैं तो नहीं ले जा पा रहे। तो इसके लिए हमने प्रशासन के सामने काफ़ी वो की कि साहब हमारी ये रिपोर्ट बना दो, दीवार बना दो, हमारी दीवार मत तोड़ो, लेकिन नहीं माने। लास्ट में प्रशासन जबरदस्ती हमारे साथ दबाव बना करके और धक्कामुक्की की, जिसके दौरान एक हमारी महिला है वो जबरदस्त रूप से घायल हो गई और घायल होने के बाद में उसको सड़क पर पड़ी छोड़ करके प्रशासन यहाँ से चला गया, नहीं तो हमें उसके बारे में कोई जवाब दिया कि भाई इसको आप इलाज के लिए ले जाओ या हम इसके इलाज के लिए ले जाएंगे। हमने उनको बार बार कहा साहब इसका इलाज करवाओ, इलाज करवाओ, लेकिन उसको घायल छोड़ करके और चले गए हैं। अभी उस महिला को लेकर के हम राजकीय चिकित्सालय कुचामन पहुँचे हैं।